That's okay. पंडित जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, भगवान आशीर्वाद दे, बहुत के बार हो, आनंद कुशल रहो, फर्स्ट नंबर रहो। ये जो मंदिर है, हम दर्शक लोग को दिखा रहे हैं, तो इस मंदिर के बारे में कुछ अगर आपको मालूम होगा तो कुछ बताइए आप, शुरू से लास्ट तक क्या कैसा कहानी है। बर्फानी दादा लग 11 साल उम्र हो गए जी, और 11 साल उम्र हो गए, और कम से कम 150 छत्तीसगढ़ में ओकर स्थान है, और सब आदमी वाला दर्शन करे बार जिहा जिहा भाव रही तिहा तिहा जाते, हर मंदिर में नहीं पहुंच सके, लेकिन बिल्कुल जाते, बिल्कुल चरण धो के ओकर पीही सोना चांदी ओना कपड़ा बिल्कुल दीही, और सात आदमी ओकर साथ में रही थे, और बिल्कुल कागे थे देख ले वो बताए है हर जोनी में मैं हाँ आता, और बिल्कुल काके थे देखता मैं हाँ का करता तेला ऐसे के, और बिल्कुल दो बाले छोटे बच्चे के रूप में और नामदेव के रूप में 10 साल हो गए, मैं बिल्कुल काके थे वो प्रगट मोर से बात करे है, और ओकरे शरण में बिल्कुल ये थे हवा यही के आदो है, यह आदो एता वह बिल्कुल तुरंत बनी भूति करके रोजी मजूरी करके वो आदो हा खात पियत, तब मैं तोर पूजा कर यहाँ तोर पाठ कर यहाँ मोन आशीर्वाद दे ऐसे की वो आदो कही, तो जैसने सोचबे तैसने में आशीर्वाद दे दिए, ऐसे की रायपुर में 3 जगह जगह है, बड़े बड़े दुकान है, और 10 जन नौकर वहाँ है, और 4 जन नौकर यहाँ है, और वो कार्यकर्ता कहा जादोला चाहे मालिक कहा ओकरे भार भरोसा है, और बस ए दे 8 दिन में आई, नवरात्रि में रही 10 दिन 15 दिन, और त्योहार बार के अपन आई तहन रायपुर में अपन आ जाते चल देते, कोई चीज की कमी नहीं है जी, और बिल्कुल बताए है तुम बिल्कुल ध्यान में रहा, जिन चीज के तो जरूरत हुई तेन चीज के मोर नाम में रहा, बिल्कुल अपन शक्ति अनुसार मोर पूजा पाठ करते रहा, और हर चीज तुम्हार मन के प्राप्त हो ही, यही आशीर्वाद दे है बर्फानी दादा है, और बिल्कुल काकी थे वो हर प्रकार के समझावे, और बोला यहाँ 1 लाख के पूर्ति बलाड रहे 1 लाख बार जी, लेकिन वो हाव हाव कही मैं हर जोनी मैं आता तुम का करता थे, और मैं बता दू ऐसे की वो अच्छा अच्छा जगह भाव मिला है, ओखरे मंदिर 150 छत्तीसगढ़ में है तेना, और बिल्कुल जी हाँ भाव रहा है तिहा ज्यादा जाए, और यहाँ 1 बार 2 घंटा उद्घाटन करे पर आए, कम से कम 12-13 साल हुआ थे मंदिर में, और रहने वाले कहाँ के रहने वाला यह आदो है, यह कि बोला कोई नहीं बता सके, 1100 साल बर्फानी दादा है, सोहेला के रहने वाले हैं, हाँ, बड़ौदा बाजार सोहेला के आदो है जी जी, हाँ यह यादव यादव है सरनेम, और बस्ती अंदर और है ओकर मकान, और अपन मस्त अपन वहाँ जाते और मस्त रही थे, और अपन आवत जात रही थे, और मंदिर में जाता रही थी जी, ऐसे आए हाँ, और ओकरे शरण में पड़े हैं, अब बिल्कुल ओकर गुणगान गाते हैं,
सब बहुत दूरिया दूरिया के कार में, मार्शल में, जीप में, बस में सब आते हैं। कोई कमी नहीं हमारे पास, बर्थानी दादा जगह आया था ना, कोई कमी नहीं हमारे पास महाराज ऐसे की के, मतलब जो भी आते हैं श्रद्धा लेके तो उनका मनोकामना पूरा होता है, बिल्कुल मनोकामना बिल्कुल होते जी। आओ यदि 10 साल हो गए जब पहली बार आया ना, 5-6 महीना हो रही से, तो कम से कम 12 जन लड़की जी, 35 साल के, 40 साल के, हाँ, 30 साल के, हाँ, लड़की रात दिन पानी गिरा तब भोले आरती पूजा में आवा है। 12 जन माई योगी 40 साल के, 50 साल के, 55 साल के जी, बाल बच्चा एक को झन नहीं गई थी, हाँ, एकदम बाल बच्चा दे बीच, कोनो जुड़वा दे है, कोनो एक शरीर दे है, हाँ, और बिल्कुल काबिज है अपन आ गया। मोला गाड़ी में लेके पर कई बार ले आए है चलते हैं, तो मैं बृहस्पत के, शनिवार के और सोमवार के, मंगल के एक लाख रुपया दे है, तब होने जाऊ मैं वो दिन मंदिर लबन करके जी। दूसर दिन आहा तब भले जहाँ, हाँ, तो पैसा धरा धरा के 500-600 ऐसे जाए वो मन, हाँ, ऐसे सब वही आशीर्वाद है, बस अपन ओकरे भाव भजन में, ओकरे पान प्रसाद में पड़े हन, और कतको सूजी पानी देवावत हाँ, अतका जाड़ उम्र है मोला 40-45 के जन्म है, और ओकरे आशीर्वाद में पड़े सूजी पानी दवाई गोली सब खाता, फिर एक दिन नहीं सुते हो महाराज, यही है भाई ओकर आशीर्वाद से, अतका प्रमाण है, हाँ, एकरे आशीर्वाद से ये दे अपन खाद पियत पड़े हैं ओकरे शरण में ऐसे आए। और कहाँ कहाँ से आते हैं आदमी लोग, कितना दूर तक आते हैं? अब दूर तो ऐसे वहाँ रायपुर है, बिलासपुर है, और वहाँ तक ले वहाँ आगे से राजनांदगांव है, और इति बार वहाँ बहुत दूरिया दूरिया के टाटा से आते जी, बहुत दूरिया दूरिया के। किसी को अगर आना होगा ये मंदिर में तो ये धाम में तो पता क्या है जगह? अब पता वो रही से नंबर उम्बर है सब बताइए। बोलो बर्फानी दादा की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम लक्ष्मण की जय, जय गुरुदेव, पृथ्वी माता गंगा माई इलाहाबाद गया काशी बनारस हरिद्वार सबरी नारायण तुतुरिया रणबहु खराजी सिरपुर लोहा पत्थर हीरा मोती सोना चांदी अंधन गाय भैंस घास पीतर रंग तमा संसार भर के कानून कायदा भगवान सुंदर आशीर्वाद दे ब्रह्मदेव महाकाल सतमार्ग पर हमेशा राव शांति कुंड हरिद्वार दमदमा स्वाहा जय राम सीता ओम भूर्भुवः स्वाहा रेण्यम भर्गो धीमहि धियो नः प्रचोदयात् गायत्री माता गुरुदेव वंदनिया माता अवल खड़ा तपोभू शांति कुंड हरिद्वार दमदमा स्वाहा पवन सुत हनुमान राम सीता लक्ष्मण बजरंगबली महाराज बांके बिहारी लक्ष्मी माता गोपाल जी सनखुड़ी सालिक राम जय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता राधा कृष्ण सरस्वती माता जय गणेश भगवान की जय महादेव पार्वती की जय हर हर महादेव की जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पता फिर से बता दे जिसको आना होगा। हाँ बिल्कुल, बर्फानी धाम हनुमान मंदिर सुहेला अपन यहाँ थाना के पीछे में बासिन रोड रावण रोड। जिला कौन सा लगता है? और जिला रायपुर जिला बलौदा जिला यही है जी। जी ठीक। 45 के जन्म है, और भगवान के बिल्कुल मैं हाँ बचपन के बिल्कुल मैं अपन ओकर भाव भजन शक्ति अनुसार करत हूँ, लेकिन भगवान देवता मन बड़े बड़े कागज थे खल्लारी से ही मेला 4 गुना रही सो ही भगवान मन देवता मन सब बोला लेके और लेके और एकदम से कागज थे वहाँ रखे रही ने जगह जगह थाना में जगह जगह कागज थे सब इंक्वायरी हो है जगह जगह खोज हो है अब बिल्कुल कागजात सब सरकारी द्वारा बने हैं कैसनो सांप बिछी चाभी तबो कुछ नहीं हो है और ओकरे आशीर्वाद से खास गांव मोर करेली है और वहाँ राम सीता लक्ष्मण बजरंग बली यह तालाब के पार में और नालक पार में महादेव पार्वती बैला और गायत्री मंदिर और बिल्कुल परिवारिक में बिल्कुल वही सब पूरा सब तैयार हुए है सब भगवान देवता का आशीर्वाद से और सब मेला शिवरात्रि मेला भरा थे यही है।
जी सब ओखरे आशीर्वाद में हर चीज प्राप्त है। और मोर दू झन मस्त लड़का है और मस्त अपन सियानहीन है और मस्त बेटा बहु नाती नवतरा सब आगे, बड़े लड़का के दू लड़की एक लड़का, छोटे लड़का के दू लड़का एक लड़की, अम्मा सब पानी पस पिया थे, भाव भजन में वह मन सब लगे हैं और जोधपुर वाला गुरुदेव में सब जुड़े हैं। मस्त जेती जेती दौड़ा हो ही गुरु जी के शिविर पड़ी वहाँ बिल्कुल जाते, यही भगवान देवता के आशीर्वाद है। बोलो गायत्री माता की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, जय राम लक्ष्मण की जय, संत समाज लखन से अभ राम चंद्र की जय, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव हर हर महा। कब कब मेला हुआ लगते का मंदिर में? मेला नहीं लगा, शिवरात्रि हाँ। नवरात्रि में कुमार हाँ। महीना में और चैत महीना में हाँ। यही जोत जल थे हाँ। वही नाम से दुनिया भर हाँ। आवत जात रही थे हाँ। और दाई बहिनी मन मस्त प्रेम से रही थे और दर्शन करते, यही आशीर्वाद है बर्फानी दादा के हाँ। बोलो लखन से अब राम चंद्र की जय। अब आप मन के शुभ नाम का है? राम जी साहू ग्राम हाँ। करेली हाँ। यही है भाई, अपन जात लत नहीं लुकावा लेकिन भाव भक्ति में बचपन के हाँ। 7 साल के उम्र में बिल्कुल भगवान के भजन करत हाँ। यही भगवान के आशीर्वाद है। ठीक है। मतलब जिनका मंदिर है इन्हीं का नाम से है ना ये? शुरू होकर पिताजी के नाम जी जी और माता के नाम 2013 तो जानी करते बतावा देखते ऐसे आई है ले बताए बतावा ये मंदिर मतलब मूर्ति वा कहाँ से आए, बाबा जी कहाँ से लाए, मतलब बनाए कहाँ है, बनवाए कहाँ से? सब ये मन इंदौर ले आए, इंदौर इंदौर ले ना, इंदौर ले सब आए हैं, सब पूरा कागज थे उहे ले मूर्ति मन और अपन कीमत तो आजकल हर चीज है बढ़े है हाँ। लेकिन बहुत कीमत में आए आए है और बिल्कुल उनका भाव भजन में हाँ। बिल्कुल लगे है हाँ। पवन सुत हनुमान है, राधा कृष्ण है हाँ। और ये सब नरसिंह नाथ है हाँ। सब ये मन पूरा कागज है वही आए है, मस्त बढ़िया सब हाँ। भाव भजन करत है, पूजा पाठ करत है हाँ हाँ। राम लक्ष्मण है और ये बजरंगबली है, सब उग्र कृपा है, सब उग्र नाम से जगह जगह फोटो जगह जगह ये है सब है। एक श्री कृष्ण भगवान जो यहाँ है हाँ, बंसी बजावा थे हाँ। नाम नाचे थे हाँ। हम मस्त अपन गेंद पर अपन वहाँ अपन कूदे है हाँ, हाँ। जमुना जी में और बिल्कुल काटे थे वो गेंद निकाले थे नांगदेव महाराज और मस्त आनंद से यही है सब। पवन सुत हनुमान राम सीता रामायण गंगा सब बिल्कुल तुहरे आशीर्वाद से हर चीज फर्स्ट ईयर है और यही सब भाव भजन में सब पड़े हैं यही बात है और शक्ति अनुसार जैसन बना तैसन होकर पूजा पाठ करत है। 3 फ्लोर में बना हुआ है ना हाँ। मतलब नीचे में हनुमान जी हैं हाँ। अब ऊपर में, ऊपर में कौन भगवान है? ऊपर राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण हाँ। चलिए चलिए ऊपर देखते हैं फिर है ना, सबसे ये सबसे नीचे में बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर में ना हनुमान जी का। जय जय भगवान। बताइए अब ये दुर्गा जी का मूर्ति कहाँ से आया है? सब दुर्गा जी के मूर्ति हाँ। सब इंदौर से आए है हाँ। राम लक्ष्मण है, बर्फानी दादा है और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता है हाँ। राधा कृष्ण है हाँ। सरस्वती माता है हाँ। गणेश भगवान है हाँ। और बागे बिहारी है हाँ। लक्ष्मी माता है हाँ। गोपाल जी है जी, सनखुड़ी है हाँ। और सरस्वती माता भी है हाँ।
सरस्वती माता है। और ये जो कृष्ण भगवान के बगल में है विष्णु भगवान जी। हाँ विष्णु भगवान है, लक्ष्मी माता है, कृष्ण भगवान है, गोपाल जी है और गणेश जी भी हैं, शालिग्राम है, हाँ हाँ लक्ष्मी माता है। ठीक और सब एकरे सब पूजा पाठ मस्त होवत है शक्ति अनुसार और शरण में पड़े हन। हाँ, यही है लखन से अब राम चंद्र की जय, गणेश भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय, राधा कृष्ण की जय, सरस्वती माता की जय, बांके बिहारी की जय, शालिग्राम की जय, गोपाल जी की जय, जय ऋषि मुनि संत की जय, हर हर महादेव की जय, गरुड़ महाराज की जय। एक गरुड़ भगवान है। ये हम जा रहे हैं तीसरे फ्लोर में ना, ऊंचे सबसे ऊंचे में शंकर भगवान हैं। बताइए यहाँ यहाँ के बारे में। बोलो शंकर भगवान की जय। सब मूर्ति आए है, सब इंदौर से शंकर भगवान, महादेव पार्वती, सब तीर्थ धाम, सब बारह लिंग महादेव सब बने हैं और मस्त उतरे पूजा पाठ सब होवत है। यही सब देख रेख सब होवत है, यही आशीर्वाद है महादेव पार्वती के, सब तीर्थ धाम यही चीज है। तो घर जाते हो आप? बिहार बाहर के। हाँ। और कुछ काम आ गया था। हाँ। बराबर महीना में 12 महीना में अपन महीना दिन होत हुई। हाँ। कोनो महीना दो बेर थे, कोनो महीना में एक बेर। हाँ। ते कोनो महीना में तीन बार ऐसे आथन जाथन यही भगवान के शरण में अपन पड़े हन और ओकरे पान प्रसाद ना खात हन। यही आशीर्वाद महादेव पार्वती देवत है और सब चीज फर्स्ट ईयर है, यही आशीर्वाद है। बोलो शंकर भगवान की जय। जहाँ जहाँ दे देगा लिखना है, जहाँ जहाँ दे है ना लिखना है, मतलब जहाँ जहाँ गए हो ना राधा का। हाँ। मूर्ति आवर विराजमान। हाँ हाँ हाँ। नंदी महाराज है ना। बोलो नंदी महाराज की जय। इनके बिना भी तो शंकर भगवान का पूजा अधूरा है। ओ नंदी महाराज की जय। हाँ। तो ये भी मूर्ति वहीं से आए हैं। हाँ इंदौर से। हाँ। ये भी मूर्ति आए है। हाँ। नंदी महाराज है। हाँ। बिल्कुल पूजा पाठ। हाँ। सब होते। हाँ। अपन यही बात है। हाँ। अपन आशीर्वाद सब महादेव पार्वती के, सब ओकरे कृपा है, अपन शक्ति अनुसार चलत है। हाँ। ऐसे आए महादेव पार्वती हर हर महादेव की जय। मतलब जो जो श्रद्धालु आना चाहेंगे वो अपना आके एक बार देख लें कैसा मंदिर है, सबकी इच्छा मनोकामना पूरा होता है। तो बहुत दूरिया दूरिया के आते है, सब जोत जलाए बर जोत जलते 500 एक रुपया एक जोत में लेथन। हाँ। तेल के जलाथन। हाँ। कोनो मन घी की थे। हाँ। तो लाओ भाई घी। हाँ। मन जला देंगे। हाँ। ऐसे कही था। हाँ, हाँ। लेकिन घी के। हाँ। कोनो कोनो लान थे। हाँ। तहन तेल के ज्यादा जलते, अपन कुहार में जलते
और चैत महीना में जल थे। हाँ, हाँ, यही सब हाँ, उखरे आशीर्वाद है। हाँ, और सब शक्ति अनुसार हाँ, जला थे। तो अभी ये जो जितना मतलब मंदिर में जो मतलब जितना बना हुआ है या जितना देवी देवता है, तो इसके अलावा और कुछ बनने का संभावना है क्या आने वाले समय में, या इतने ही बनेगा ये जगह में? अब वो कर रहे बसे पर, अब वो कर सब सेवा करत है, पूजा करत है। हाँ, एकर अब मकान अगल बगल में ओगरे जगह में सब बनावत है, अपन किराया आ जाही, सेवा करी, पूजा करी, एकर ऐसे बनावत है और बनत है। हाँ, यही आशीर्वाद है महादेव पार्वती के। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है पंडित जी, फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आएंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे, और अच्छा लगा आपसे, और पूरा जानकारी हम सभी लोग को दिए आप, है ना? ठीक है, आप लोग का, दोनों लोग का धन्यवाद। जय।